गुरुवार को ग्वार गम और ग्वार सीड की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिली। ग्वार गम और ग्वार सीड में निचले सर्किट देखने को मिले हैं। ग्वार गम का मार्च वायदा 10,620 के स्तर पर कारोबार करता दिखाई दिया था और इसमें 5.6% की जोरदार गिरावट भी देखने को मिली थी। वहीं ग्वार सीड का मार्च वायदा 5,827 पर कारोबार करता दिखाई दिया था गुरुवार के दिन और इसमें 3% से ज्यादा की गिरावट भी देखने को मिली थी। ग्वार गम और ग्वार सीड में ये जोरदार गिरावट तब देखने को मिली थी जब कच्चा तेल $100 के पार कारोबार कर रहा था। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का सपोर्ट ग्वार की कीमतों को हमेशा मिलता है, लेकिन इस बार ऐसा होते नहीं दिख रहा है। जबकि कच्चे तेल की कीमतें 2014 के बाद अब $100 के पार निकल चुकी हैं। ऐसे में सब हैरान है कि आखिर ग्वार की कीमतें क्यों गिरी। दरअसल रूस यूक्रेन के बीच तनाव अब जंग में तब्दील हो गया है। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। भारत रूस को ग्वार का निर्यात करता है और इस युद्ध की स्थिति में रूस से भारतीय ग्वार की डिमांड प्रभावित होने की चिंताओं के चलते ग्वार की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। जब तक रूस और यूक्रेन के बीच में यह युद्ध खत्म नहीं हो जाता है तब तक जानकारों का मानना है कि ग्वार की कीमतों में गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।